बहुत तेजी से धस रहा है। जोशी मठ का इलाका, ये बहुत चिंताजनक रिपोर्ट आज सामने आई, 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धसाव हुआ है जोशी मठ पे। आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने बदतर हैं। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक 5.4 सेंटीमीटर का धसाव हुआ है, यानी धसाव की रफ्तार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर का धसाव हुआ था। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें और इस रिसर्च की फाइंडिंग अपने आप में खतरे की घंटी की तरह है। तो पूरे देश की नजर जोशीमठ पर है और इसरो के सैटेलाइट की नजर भी जोशीमठ पर है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने सैटेलाइट इमेज जारी की। इन तस्वीरों में कैसे जोशीमठ धंसता नजर आ रहा है वो अब आपको दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता का सबब है ये रिपोर्ट, 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सिर्फ इस पीरियड में, यानी 12 दिनों के अंदर अंदर 5.4 सेंटीमीटर का धसाव हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त कितना बड़ा खतरा है। बहुत तेजी से भू धसाव हो रहा है, आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर पर भी खतरा है, ये साफ हुआ है इस रिसर्च रिपोर्ट से। आप देखिए इससे पहले क्या हालात थे, अप्रैल से नवंबर 2022 में 8.9 सेंटीमीटर का धसाव हुआ था, यानी जो धसाव पहले महीनों में हो रहा था वो अब दिनों में होने लगा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धसाव की रफ्तार कितनी बढ़ गई है। जोशीमठ और ओली रोड, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि खतरनाक हैं। धसाव की वजह लैंडस्लाइड की जमीन पर बसा है जोशीमठ, एक तो ये हम सब जानते हैं, दूसरा भारी निर्माण से जमीन का धसाव और ज्यादा बढ़ा है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है यहां पर जिसकी कीमत आज यहां के लोग चुका रहे हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम, ये एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है जो इस धसाव की वजह बनी है। पेड़ों के कटने से जमीन और ज्यादा ढीली हुई, वैसे ही जोशीमठ की जमीन जो है वो लैंडस्लाइड के नीचे जो मिट्टी होती है ढीली मिट्टी, उस पर बसा हुआ ये पूरा का पूरा शहर है और अनप्लान्ड वे में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसने इस पूरे इलाके को और ज्यादा बदतर स्थिति में ला दिया है। इसरो की रिपोर्ट में आर्मी के हेलीपैड के धंसने का भी जिक्र है। आपको हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि जोशीमठ किस ऊंचाई पर बसा है और कैसे आज की तारीख में पूरे शहर पर खतरा है। इस तरह से अगर दिखाएंगे तो ये पूरा शहर आपको एक ढलाव की स्थिति जैसी नजर आएगी। पूरा शहर ढलान पर बसा हुआ है और रह रहकर इस ढलाव वाले पूरे शहर में दरारें आ रही हैं। मकानों से लेकर खेतों तक धरती फट जा रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुदरत की त्रासदी आई तो आई क्यों, दो तरह की बातें कही जा रही है। कोई इसे इसके लिए यहां पर चलने वाले विकास कार्यों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई इसे कुदरत की त्रासदी मान रहा है। हालांकि सरकार इसे हर साल वाली आने वाली आपदा से जोड़कर देखती है और इसकी जद में सिर्फ जोशीमठ शहर नहीं बल्कि आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी और वो हेलीपैड जो आपको साफ तौर पर सामने से नजर आएगा वहां पर सबसे ज्यादा जो मिट्टी का धसाव है यानी भू धसाव सबसे ज्यादा यहीं पर दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप आर्मी के अंदर बने उस हेलीपैड का देख रहे हैं, यहीं से जितने चौपर से जितने विमान हैं वो उड़ान भरते हैं, यहां भी धसाव सबसे ज्यादा है। मतलब जोशीमठ शहर पर खतरा नहीं है बल्कि कैंटोनमेंट एरिया में भी बड़ा खतरा दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये भू धसाव हो क्यों रहा है। पूरी की पूरी घाटी आपको नजर आ रही होगी, इस पूरी घाटी पर संकट बरकरार है। और आइए आपको एक बार फिर जोशीमठ लिए चलते हैं। विपिन चौबे जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन ये बताइए, इसरो की जो ताजा रिपोर्ट आई है और उसमें जिस तरह के धसाव की बात की गई है इसे कितनी गंभीरता से फिलहाल सरकार ले रही है? पिछले दो दिन जब लगभग 20 घंटे तक जोशीमठ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, मैंने तीन बार उनसे पूछा कि आप इसे कैसी आपदा मानते हैं, तो उनका यही कहना था जैसी केदारनाथ में आई, जैसा रैणी में आई, उसी तरह की ये आपदा है, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसरो की रिपोर्ट बताती है कि ये एक दो पाँच दिन दस दिन एक महीने में नहीं हुआ है, ये महीनों से हो रहा है और निरंतर चलेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ों में घर बनवाने की हिम्मत कौन करेगा, दुकान कौन बनवाएगा, कैसे लोग बसेंगे। आज आप मुआवजा
कब्जा दे के किसी को बसा देंगे, कल घर बनाएगा फिर उसके घर में दरार आ जाएगी और फिर क्या करेंगे। सरकार इसको प्लान को लेकर कुछ नहीं सोच पा रही है। दूसरी बात, ये जो भूत हसाव हो रहा है ये किसी के बस की बात नहीं है कि इसको रोक सके। इसको अगर कोई रोक सकता है तो कुदरत या फिर वो विकास कार्य जिसकी बदौलत यहाँ की पूरी जमीन हिल गई है, तो बड़ा फैक्टर है। लेकिन उपाय किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा जोशीमठ का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को अपना भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका।